बस सीबीएसई इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं, जो इम्प्रूवमेंट कैंडिडेट्स हैं उन सभी को एक प्रॉब्लम आ रही है कुछ बच्चों को, कि उनको मना करा जा रहा है कि इस प्रिंसिपल सिग्नेचर नहीं करेंगे जहाँ पर उनका सेंटर लगा है। उनको कहा जा रहा है कि जो आपका पहले स्कूल से जहाँ से आपने पहली बार 12th करी है वहाँ से सिग्नेचर होंगे, और जब वो बच्चे उस स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ से मना करा जा रहा है क्योंकि वो प्राइवेट कैंडिडेट है। तो जो आपका स्कूल है वो बिल्कुल सही कह रहा है, आप प्राइवेट कैंडिडेट हो तो आप पिछले स्कूल साइन नहीं करा सकते, वो आप वहाँ के प्रिंसिपल सर आपके सिग्नेचर आपके एडमिट कार्ड पर सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके स्कूल से आप अब बिलोंग नहीं करते हो, वहाँ के स्टूडेंट अब आप नहीं रहे हो, आप एक प्राइवेट कैंडिडेट हो। तो जहाँ पर आपका सेंटर लगा है उसी सेंट्रल स्कूल की सारी जिम्मेदारी होती है कि वो आपका एग्जाम कंडक्ट कराए, जो आपके जो भी आपने आंसर्स दिए आंसर शीट्स हैं आपके उनको ध्यान रखे, आपके एडमिट कार्ड की जांच करे, आपके एडमिट कार्ड पर सिग्नेचर करें। तो वहीं के प्रिंसिपल वहीं के सुपरिटेंडेंट हैं जो वही आपके एडमिट कार्ड पर साइन कर सकते हैं और उन्हीं को साइन करना है। तो अब वो अगर मना कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले उनसे इस चीज़ को लिखवाना है कि वो जो है वो साइन नहीं करेंगे, पिछले स्कूल से उन्होंने कहा है ऐसा, आप उससे लिखवाइए। अगर वो लिख देते हैं उसके बाद आप क्या करना है, आपको सीबीएसई हेल्पलाइन में कॉल करना है, जिसका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा जहाँ पे आप देख सकते हो। उनसे आप कॉन्टैक्ट करिए, उनको कहिए इस चीज़ को कि जो यहाँ पे आपका सेंटर लगा है वहाँ पे जो प्रिंसिपल सर है वो आके साइन नहीं कर रहे हैं, तो वही इस चीज़ के बारे में आपको सोल्यूशन देंगे क्योंकि ये सही चीज़ नहीं है कि वो मना कर रहे हैं, मना नहीं करना चाहिए उनको, बिल्कुल गलत बात है ये, क्योंकि उन्हीं की जिम्मेदारी है कि वही आपके एडमिट कार्ड पर सिग्नेचर करें। अगर वो मना करते तो उन्हें इस चीज़ पर उनसे लिखवाइए, उनसे साइन कराइए, ठीक है। ध्यान रखिए इस चीज़ का क्योंकि उन्हीं की जिम्मेदारी है, पिछले स्कूल से कोई मतलब नहीं होता है बच्चे का, जो प्राइवेट कैंडिडेट है पिछले स्कूल का आपको कोई रिलेशन नहीं है, वो आपके सिग्नेचर नहीं करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। आइए आपको समझ आया, आपको जो हेल्पलाइन नंबर वो आपको दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप कॉल करिए और जो नंबर है उस पर इजिली आपको कॉल लग जाएगी। सीबीएसई का भी न्यू नंबर आया जिसपे अब जो है कॉल्स मिल रही हैं 2 महीने तक, तो उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इजिली, आप उनसे बात कर सकते हैं। तो आपको कोई डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं, आपका नोटिस होता है, इन्फॉर्मेशन आती है, नेक्स्ट बात करेंगे। थैंक यू।